नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वक्त हम लोग पीईटी के एक विशेष कक्षा कार्यक्रम में जो है विभिन्न प्रकार के विषयों पर जो है टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। यदि संविधान एवं राजव्यवस्था के विभिन्न टॉपिक का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि मौलिक अधिकार अत्यंत ही लोकप्रिय और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर हम मौलिक अधिकार के सामान्य रूप से परिचय करवाएं आप लोगों को तो ये कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर के 35 यहाँ पर पीटी के विशेष कक्षा कार्यक्रम में किसी भी टॉपिक को केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ाया जाएगा ताकि आपका समय केवल परीक्षा उपयोगी जानकारी और तथ्यों को जो है तैयार करने में ही खर्च हो सके। और एक चीज इसके पहले भी बताया गया और आज भी बताया जा रहा है कि यदि संविधान राज व्यवस्था के किसी भी टॉपिक पर डिटेल में जो है चर्चा करना है और समझना है तो आप मास्टर प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान एवं राज व्यवस्था के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर कई वीडियो अपलोड किए गए हैं, यानी कि संपूर्ण संविधान के पाठ्यक्रम को कवर किया गया है जो कि सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो यहाँ पर जो हमारा चर्चा करने का उद्देश्य है वो कम समय में पीईटी के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को पूर्ण कराना है ताकि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप हल करें। तो यहाँ पे दो फैक्ट निकल के सामने आता है, एक तो भाग है, एक आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अगर देखा जाए तो यूएसए के जो है संविधान से इसे लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के जो संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार में जो है एक शब्द मौलिक है जो मूल से निकला हुआ है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है, इसीलिए इसे संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है और सरकार के द्वारा इसे ना तो छीना जा सकता है और ना ही सामान्य परिस्थितियों में संसद के द्वारा इसे संशोधित करके कम किया जाता है। तो इस तरीके से ये वह अधिकार होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए संविधान के द्वारा इनको गारंटी प्रदान किया जाता है और इस कारण से ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और इनके संरक्षण के लिए भी जो है व्यवस्था किया गया, जैसा कि आपको जानकारी है कि आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह व्यक्ति की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिटों को जारी कर सकते हैं। 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये रही जो है बात मौलिक अधिकार की परिभाषा के संदर्भ में। आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि वह सभी अधिकरण प्राधिकरण और एजेंसियां जो है राज्य की परिभाषा में आएंगी जो किसी न किसी रूप में कानून का क्रियान्वयन करती हैं, अर्थात यदि उनके क्रियान्वयन से व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति उनके संरक्षण के लिए न्यायालय का सहारा ले सकता है और न्यायालय विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकार को जो है प्रदान करने और इस उल्लंघन को समाप्त करने का जो है प्रयास करता है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है यह बताया गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय तत्कालीन स्थितियों में प्रवृत्त जो भी नियम कानून होंगे यदि वह संविधान के मौलिक अधिकार से टकराव की स्थिति में आते हैं तो उस सीमा तक वह शून्य घोषित होंगे जहां तक वो टकराव की स्थिति में आएंगे। इसे कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। यह है संविधान के लागू होने के पूर्व के नियमों पर कानूनों पर लागू होता है, इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। और इसी में खंड 2 में कहा गया है कि यदि राज्य के अंतर्गत विधानमंडल या संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो संविधान से टकराव की स्थिति में आता है तो उसका वह भाग जो टकराव की स्थिति में आएगा उसे हटा दिया जाएगा और जो भाग टकराव की स्थिति में नहीं रहता है वह प्रवृत्त होगा। इसे क्या कहा जाता है? पृथक्करण का सिद्धांत। तो यहाँ पे दो सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी होगी, आच्छादन का सिद्धांत का मतलब उसके ऊपर जो है आच्छादित हो जाना, ढक लेना, यानी कि जो
नियम कानून पहले से विद्यमान है, यदि वह संविधान के मौलिक अधिकार से टकराव की स्थिति रखेगा तो वह उतना भाग ढक लिया जाएगा जितना भाग जो है टकराव की स्थिति में आता है। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा है पृथककरण का सिद्धांत। पृथककरण का सिद्धांत यानी कि बाद में संविधान के लागू होने की अगर एक डेडलाइन बनाई जाए, उसके बाद में अगर कोई भी कानून संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है और वह मौलिक अधिकार से साम्य नहीं रखता तो उस भाग को पृथक कर दिया जाएगा जो टकराव की स्थिति में आता है। इसे ही पृथककरण का सिद्धांत कहा जाता है। ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत वर्णित है। सामान्यतया हम लोग 14 से लेकर के आगे का अध्ययन करते हैं, लेकिन 12 और 13 में अध्ययन नहीं करते हैं। तो 12 और 13 को भी हम लोगों ने संक्षिप्त में देख लिया ताकि आपकी जानकारी पूर्ण हो सके और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रत्येक सवाल को हल करने में आप लोग सक्षम हो सके। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से कई और भी सिद्धांत, जैसे अधित्याग का सिद्धांत है, भाई व्यक्ति अपने अधिकारों को छोड़ देता है तो उसे अधित्याग का सिद्धांत कहा जाता है, लेकिन भारत में ऐसा मनाही है क्योंकि वह व्यक्ति के साथ साथ जो समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। विधायी क्षमता का सिद्धांत है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल और संसद को जो सूचियों के माध्यम से शक्ति बनाने की कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है उसकी सीमा में रहकर के कानून बनाना ही जो है विधायी क्षमता का सिद्धांत कहलाता है। तो इस तरीके से कई जो है सिद्धांत इसी में जो है निहित होते हैं। तो ये रही बात जो है आर्टिकल 12 और 13 की। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इन सभी जो विषयों को, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उस पर रुक कर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है, परीक्षा के लिहाज से उस विषय को समझने की ज़रूरत है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। और उन सभी पॉइंट्स को हम बीच बीच में हाईलाइट भी करते हैं जो समय समय पर और बीच बीच में परीक्षा में पूछे गए हैं, परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा एग्जाम लगा हुआ है जिसका पास होना और उसके परिणाम पर आपके जो है भविष्य का परिणाम निर्भर करता है। आपको पढ़ना चाहिए ताकि समाज में, परिवार से और मित्र दोस्तों से आपके प्रति जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा किया जाना संभव हो सकता। आप कितना मेहनत करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको परिणाम भी लाना होगा ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अन्यथा हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारी रिश्तेदारी में ऐसे ऐसे लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे जो कमेंट करने भी लायक नहीं होते हैं और यहां तक भी बताया जाएगा कि यह व्यक्ति क्या करता था मुझे पता है, यह व्यक्ति घूमता था, यह व्यक्ति पढ़ता नहीं था। लेकिन जब आपका परिणाम आपके सामने होता है तो वही व्यक्ति कहता है कि ये व्यक्ति घूमता भले था लेकिन रात भर पढ़ता था। ऐसी चीजें आप लोगों के लिए कही जाती हैं। तो लोग मेल भी करते हैं, इसी तरीके का कमेंट भी करते हैं कि सर पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है। तो इन सभी चीजों को आप छोड़ दीजिए, ये सभी चीजें जो सोचने का काम उनका है जो आपके ऊपर कमेंट करते हैं। आपका काम केवल पढ़ाई करना, आपके काम केवल तैयारी करना है। और जब आप उन विषयों में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तैयारी करेंगे, तो धीरे धीरे उन तैयारी के स्तर तक पहुंचेंगे जो कमीशन आपसे अपेक्षा करता है। तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगन से लगे रहिए, यही आपका कर्तव्य है और यही एक सच्चे जो है प्रतियोगी को करना भी चाहिए। तो हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। आर्टिकल जो है, अब मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम ये देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो प्रारंभ में था, जो इसके अंतर्गत दिया गया है, 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में यानी कि 44वां संविधान संशोधन, ये भी सवाल पूछा गया है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जो है माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और यह जो है विधिक अधिकार, अब ये इसे जो है क्या बना दिया गया है, अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना रह करके विधिक अधिकार जो रख दिया गया है और इसे अब आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रखा गया। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार। तो अब वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में कितने अधिकार हो गए हैं, अब वर्तमान समय में 7 के बजाय जो है 6, ये 7 जो है गलत है, 6 जो है सही है। अब इसके अंतर्गत जो अधिकार है उसको जो है स्वतंत्रता का अधिकार
ये है पहले समानता का अधिकार है, इसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, समानता का अधिकार। क्रम से हम लोग देखते हैं तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत यौन शिक्षा संबंधी, संस्कृत यौन शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसी के साथ साथ जो है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीन शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांच है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए बना छह प्रकार के जो अधिकार की चर्चा किया गया है। पूर्व में यहाँ पे संपत्ति का भी अधिकार था जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, और ये प्रश्न परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके इसे यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। समानता का अधिकार ये जो है 14 से लेकर के 18 के बीच में बताया गया। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता में विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे, हम एक को देखने का प्रयास करें, विधि के समक्ष समानता, ये जो है व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। कोई भी व्यक्ति विधि के सामने ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, यानी कि कानून सबके लिए जो है समान रूप से लागू होगा, कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये होता है विधि के समक्ष समानता। विधियों का समान संरक्षण, यह अमेरिका, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो ये बताता है कि कानून सभी लोगों पर समान रूप से नहीं बल्कि समानों में समान रूप से लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए शिक्षा की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसके फैमिली में पहले से बहुत शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े जो है पदों पर कार्यरत हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कमजोर है, आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी बहुत कमजोर है, जिसके घर में कोई शिक्षा का माहौल नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो दोनों को पढ़ाई में समान रूप से अगर अवसर दिया जाएगा तो दोनों को जो है एक साथ छोड़ने के बाद जो पहले से बैकग्राउंड जिसकी अच्छी स्थिति में वो आगे निकल जाएगा कंपटीशन में। ऐसी स्थिति में जो दूसरे प्रकार का स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा जो है अगर वरीयता दिया जाए, थोड़ा सा जो है अगर उसको सुविधा प्रदान किया जाए, बल्कि पहले वाले को रोकने का काम नहीं किया जाए बल्कि दूसरे वाले को थोड़ा सा सुविधा देने का प्रयास किया जाए, तो वह भी व्यक्ति कंपटीशन की दुनिया में जो है पहले वाले की बराबरी करने का प्रयास कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह बताया गया कि समानों में समान रूप से, यानी कि जो एक प्रकार के लोग हैं उनमें एक तरीके से जो है लागू होना। जैसे अगर मान लीजिए कि विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनके लिए वर्तमान समय में विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कि अगर दिव्यांग व्यक्ति हैं तो सभी प्रकार के दिव्यांगों पर एक ही नियम लागू होगा। ये नहीं होगा कि कुछ दिव्यांगों को विशेष रूप से दर्जा दिया जाएगा और कुछ लोग को कम रूप से। तो कहने का तात्पर्य है कि समानों में समानता, दिव्यांग है तो सब दिव्यांग एक समान होंगे,
या इसी तरीके से जो भी और भी कंडीशंस और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं उन सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा जो कि समान स्थिति में होंगे। इसे ही विधियों का समान संरक्षण कहा जाता है, तो इससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 14 जो है, अगर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विशिष्ट स्थिति में है, जो या तो कमजोर स्थिति में है, यदि सरकार के द्वारा उनके लिए कुछ विशेष कार्य किया जा रहा है, कुछ विशेष तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, तो यह जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहलाएगा, बल्कि यह जो है राज्य का जो है सकारात्मक कार्यवाही कहलाएगा, जिसे अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको यह जान लेना होगा कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अर्थात पहली स्थिति में कानून सबके लिए जो है समान होगा, और दूसरे में कहा गया है कि कानून जो है समानों के लिए जो है समान रूप से काम करेगा, लेकिन यदि राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यदि कुछ विशेष प्रकार का कार्य करना चाहता है तो वहां पर जो है वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और इसे जो है सकारात्मक गतिविधि या अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जाना जाएगा। अगला है 15, 14 से 18 के लेकर के सब में जो है समानता की ही बात की गई, लेकिन समानता के कई संदर्भों में, जैसे यहां विधि के लिए बताया गया है, यहां पर व्यक्तियों के संदर्भ में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, केवल किसी भी व्यक्ति भारत में जो है किसी भी नागरिक के साथ में केवल मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई कुआं है, स्कूल है, तालाब है, तो वहां पर जाने के लिए भी जो है किसी व्यक्ति को इन्हीं आधारों पर केवल वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, केवल का तात्पर्य यह है कि अन्य आधारों पर वंचित, अन्य आधारों पर जो है अंतर किया जा सकता है, लेकिन इन पांचों आधारों पर नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, यानी कि इनमें से दो, तीन, चार या पांचों आधारों पर या एक आधार पर किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है। और इसी में भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर भी किसी तरीके व्यक्ति को इस तरीके से जाने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसके आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि राज्य जो है महिला और बच्चों के लिए जो है किसी भी विशेष प्रकार का कार्य कर सकता है, और इस तरीके से किया गया विशेष प्रकार का कार्य आर्टिकल 15 के जो है अभी पूर्व में बताए गए जो है खंड का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको जानकारी हो गई, हाल में ही पंचायत के चुनाव संपन्न हुआ जहां पर सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती थी। भैया आपके आसपास के गांव में देखा होगा कि चाचा के बजाय चाची चुनाव में जो खड़ी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व थी, अर्थात सरकार ने यह समझा कि अभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो सीटें महिलाओं के लिए क्यों ना रिजर्व कर दिया जाए। तो इसलिए वहां पर क्या हो गया कि जो है सामान्य अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग महिला या अनुसूचित जात महिला, तो वहां पर पुरुष के बजाय उस घर में कौन लोग खड़े होते हैं, महिलाएं वहां पर खड़ी होती हैं चुनाव में। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजकीय पद पर कार्यरत है, सरकारी क्षेत्र में राजकीय पद पर कार्यरत है, तो वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी उसके संदर्भ में बातें हैं। तो चुनाव के लिए सरकार ने क्या कहा है, महिलाओं को आरक्षण दिया। बच्चों के लिए भी इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कदम उठाया गया है कि उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है कि बच्चों को जो शिक्षा दिया जा सके। तो कब लगाया गया, आरटीई एक्ट पारित किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे कि अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो जुलाई 2011 से इसको लागू किया गया है। तो ये व्यवस्थाएं हैं 15 के संदर्भ में। किसी भी अनुच्छेद को पढ़ने के दौरान आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं को किस तरीके से आपस में जोड़ने घटाने के लिए जो उसका प्रयोग किया गया है, किस तरीके से उससे कानून बनाए गए, और ऐसा कर करके आप उसके विभिन्न पक्षों और पहलुओं की अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो ये रही 3 के बारे में। अभी आगे 4 में भी ये बताया गया है कि राज्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष प्रकार का प्रावधान
कर सकता है, ये आज के इसमें है, जहां पर इसमें जो है महिला और बच्चे हैं, महिला और बच्चे हैं वहीं पर इसमें जो है एससी एसटी एंड जो है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कही गई है। अब इसी बीच जो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े हुए लोगों, यहाँ पर दो आधार बताया गया, कौन कौन सा, सामाजिक और शैक्षणिक, ये दो ही आधार। जबकि हम जब नए नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, जो कि इसके पूर्व में पिछला लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया है, वहां पे आप लोगों ने देखा था क्या बात हुई थी कि वहां पर जो है सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक आधार की बात कही गई है। तो यहां पे बातें कही गई है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े हुए लोगों की बात कही गई है। तो दो आधार है जिनके आधार पर जो है प्रतिनिधित्व के लिए सरकार जो है कोई अफर्मेटिव एक्शन ला सकती है या अलग से कोई काम कर सकती है। तो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर यहां पे बातें कही गई हैं, इनके आधार पर कोई विशेष काम किया जा सकता है। तो यहां पे विशेष बात किसके लिए की गई है, तीन लोगों के लिए की गई है, एससी एसटी और ओबीसी। बाद में जो है 2006 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया गया है, जिसके माध्यम से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की बात कही गई है। 2008 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और ये बताया कि जो पिछड़े में अगड़े हुए हैं, जिनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है, उन्हें इस प्रकार की छूट न दिया जाए और क्रीमी लेयर के सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो है जो दायरा है उसका वो 12 लाख रुपए है। समय समय पर सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया जाता रहता है क्योंकि धीरे धीरे आय के बढ़ने की प्रवृत्तियां होती है। तो ये बातें आपको आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो है समझ में आई होंगी। सोलह के अंतर्गत जो है, अभी 14 में जो है विधि के बारे में था, 15 में जो है क्या था, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो है समानता और सरकार के द्वारा विशेष प्रकार का प्रयास था। अब हम 16 में बात क्या करेंगे, 16 में नौकरियों के संदर्भ में, अवसर में, नियोजन में, नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है कि नियोजन में जो है अवसर की समानता रहेगी। ये बात किसमें कही गई है, 16 में कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पद पर जाने के लिए जो है अंतर नहीं किया जाएगा या विभिन्न प्रकार के पदों पर नियोजन के संबंध में अवसर की समानता दी जाएगी। यदि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि यह केवल इन्हीं व्यक्तियों के लिए है, दूसरा व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता, इस तरीके की बातें नहीं कही जाती हैं। और दूसरे में जो है खंड दो में यहाँ पे कहा गया है कि केवल मूल वंश जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वहां पर आवेदन करने से और पहुंचने से मना नहीं किया जाएगा। लेकिन तीन में कहा गया है, आर्टिकल तीन में कहा गया है कि संसद के द्वारा किसी भी राज्य या संघ राज्य, संसद यहां पर कानून बनाएगा, राज्य विधानमंडल नहीं, ध्यान में रखिए, संसद के द्वारा किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी पद पर भर्ती के लिए निवास विषयक अर्हता को लागू किया जा सकता है, यानी कि उस राज्य में निवासी लोगों के लिए भी जो है वह लागू किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश, जहां पर इस तरीके की बातें और नियम बनाया गया है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता कि कौन सा राज्य है जहां पर निवास विषयक अर्हता लागू की गई, तो वह कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। तो ये 16 बातें कही गई हैं। अब इसी में जो है 4 में जो है ये कहा गया है कि यदि राज्य को ऐसा, राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पिछड़े वर्गों का विभिन्न प्रकार के नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। तो आर्टिकल इसमें क्या कहा गया है, ओबीसी के लिए। और इसी 4 के जो है का में कहा गया है एससी एंड एसटी के लिए यही बातें कही गई। यदि
विभिन्न प्रकार के पदों पर इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, तो वह इनके लिए विशेष प्रकार की जो है सुविधा और व्यवस्था कर सकता है। तो ये आर्टिकल 15 और 16 समानता और नौकरियों के संदर्भ में आता है, जिसमें हम लोग जो है आरक्षण के संदर्भ में जब बातें करते हैं तो यहाँ से सवाल उठते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी हाल फिलहाल में है, आर्टिकल 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 ईस्वी में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लागू किया गया, जिससे ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% जो है आरक्षण की बात कही गई है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। ये कैसे कहा गया है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, है ना, आर्थिक रूप से वीकर मतलब कमजोर और सेक्शन माने वर्ग, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से 10% आरक्षण दिया गया है। तो अब यहां पे ये ध्यान में रखना होगा, इसके माध्यम से जो है 15, 5 और 16 जो है 6 की बात कही गई है, जिसके माध्यम से इस आर्टिकल के खंड को इसमें अंतः स्थापित किया गया है, मतलब जोड़ा गया है, और इसके माध्यम से समाज के जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है 10% आरक्षण, ये चूंकि नई व्यवस्था है, यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अभी हम 17 पर बात करते हैं, आर्टिकल 17। अब ये अभी समानता के संदर्भ में, लेकिन ये छुआछूत की बहुत ही व्यापक और विकराल समस्या भारत में विद्यमान रहे, समाज के नीचे के जो है लोगों के लिए कमजोर वर्ग के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई है। कौन सी? 17 में, कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है जो विधि के अनुसार दंडनीय है। यह मेरा वाक्य नहीं है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 17 में ज्यों का त्यों लिखा गया है। कहने का इसका सीधा मतलब यह, कोई भैया छुआछूत को नहीं मानेगा। साफ सफाई आप कीजिए, सब एक साथ उठिए बैठिए, सब लोग मानव हैं, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से समाज में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सबके अंतर्गत खून ही दौड़ रहा है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोगों के खून दिया जा सकता है, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोगों को खोज किया जाता है। ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के, उनकी खोज की जाती है, ना कि वहां जात खोजा जाता है। तो जातियों से कोई मतलब नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, उसको अपनाने का प्रयास कीजिए और सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार करने का प्रयास कीजिए। तो यह बात कहता है कौन सा आर्टिकल? 17। इसके लिए यहां पर जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 भी लागू किया गया था, जिसमें 1976 ईस्वी में संशोधन किया गया था, नागरिक अधिकार रक्षा अधिनियम इसे कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसमें एक और बात ध्यान में रखना है कि 6 माह की सजा और ₹500 की जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है। तो यह बात रही कहां पे? आर्टिकल 17। तो केवल 17 इतने नहीं है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता, बल्कि उससे ज्यादा है, और आपको सब कुछ समझना होगा, तब आप संविधान राज व्यवस्था के विधिवत ढंग से जानकारी कर पाएंगे। अब इसी खंड में आर्टिकल 18 पर, यह लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हम कवर करने के इसको प्रयास करते हैं। 18 में उपाधियों का अंत दिया गया। भैया उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि पर पुराने जमाने में क्या होते थे? राजा होते थे, महाराजा होते थे, सामंत होते थे। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं संविधान लागू होने के बाद खत्म कर दी गई। यहाँ पे सब व्यक्ति हैं, सब समान है, यहाँ पे किसी के साथ कोई जो है दोहराव बताव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि फला व्यक्ति जो है बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है,
उसकी चलेगी जो है दूसरे व्यक्ति की नहीं मानी जाएगी, ऐसा सब कुछ नहीं होने पाएगा। हर व्यक्ति जो योग्य है वो काम करेगा, और जिसके पास योग्यता नहीं है वो रोड पर घूमेगा, और रोड पर घूमने से बचाने के लिए और आपको एक बेहतर प्रोफाइल देने के लिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर संघर्ष किया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उपाधियों का अंत किया जाता है, यानी कि राज्य जो है शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में है ना, शिक्षा और सैन्य दोनों साथ से है। अब उसी को कहेंगे विद्या भी लिखा गया, तो विद्या मतलब क्या है, शिक्षा, शिक्षा और सेना, सैन्य क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो किसी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, मतलब राज्य इन दोनों क्षेत्रों में दे सकता है उपाधि। तो इसी के बारे में बताया गया कि राज्य जो है सेना और शिक्षा को छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी उपाधि नहीं देगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशों में भी काम कर रहा है, किसी लाभ के पद पर काम कर रहा है वहां पे, तो अभी वह राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई चीज वहां पे नहीं ले सकता है, कोई भी जो है इस तरीके से उपाधि वगैरह नहीं ले सकता है वहां से, पहले यहां से राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। और ये देखा जाएगा यदि जो है वो असमानता को बढ़ावा देता है तो निश्चित तौर पर वो कोई चीजें अनुमति नहीं दी जाएंगी, ये भी बातें हैं। और भारत का भी कोई व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो भी विदेशों में जाके नहीं ले सकता, यहाँ नौकरी कर रहा तो भी नहीं ले सकता। तो इस तरीके से कई प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं। और इसी के क्रम में 1954 ईस्वी में थोड़ा सा जो है मौलिक अधिकार के साथ साथ में उससे जुड़े हुए, जैसे हर नियम में परंतुक होता है, तो उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है व्यवस्थाओं में कुछ चीजें जुड़ी हुई होती हैं, वो भले ही मौलिक अधिकार से सीधे संबंधित ना हो लेकिन फिर भी वो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आप लोगों को इस चीज को जानना समझना आवश्यक होता है। तो 1954 ईस्वी में क्या कहा गया, विभिन्न प्रकार के नागरिक पुरस्कार देने, नागरिक पुरस्कार की जो है यहाँ पे घोषणा की। नागरिक का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति होंगे किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा काम कर रहे होंगे उनको दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न जो है भाई भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है, इसके बाद भारत रत्न के बाद जो है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, ये क्रम है। इस पे भी सवाल एक बार परीक्षा में पूछा गया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा इसका क्रम क्या है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, विभूषण बड़ा शब्द है, उसके बाद पद्म भूषण उससे छोटा शब्द है, फिर उसके बाद पद्म श्री उससे छोटा शब्द है। तो याद करने का तरीका 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था, इसमें 1977 ईस्वी में अगर देखा जाए तो ध्यान रहे जनता पार्टी की सरकार आई, तो वह समानता का बड़ा समर्थक पार्टी थी जो है, तो उसने कहा कि यह भैया गलत है, इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा देख करके समाज में कुछ लोगों को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन इसे पुनः 1980 ईस्वी में जो है सत्ता बदलने के बाद पुनः प्रारंभ कर दिया गया, और 1996 ईस्वी में आकर के जब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना वर्डिक्ट, अपना जो निर्णय दे देता है कि इस तरीके का पुरस्कार किसी भी तरीके से समानता का उल्लंघन तो नहीं करता है, लेकिन यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि ये सभी पुरस्कार कर्म के आधार पर होने चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं, क्योंकि जन्म के आधार पर सब लोग समान होते हैं। ये भी बताया गया इसे गले में डाल के नहीं दिया जाएगा, आपको ध्यान होगा कि जो भी पुरस्कार होते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जब दिए जाते हैं तो वो जो है हाथों में दिए जाते हैं, और व्यक्ति उनको उस पुरस्कार उस सम्मान के लिए दोनों हाथों से उसे ग्रहण करता है। तो इसी तरीके से उपाधियां उनके नाम के आगे पीछे नहीं जोड़ी जाएंगी, ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1996 ईस्वी में दिया हुआ है। तो अब आपको क्या लगता है, अब ये सारी चीजें उपाधियों के संदर्भ में जो भी सवाल उत्पन्न हो सकते हैं कहीं से कभी भी वो आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, चार इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम यहाँ पर जो है समानता के जो सिद्धांत का जो है समानता के मौलिक अधिकार को पढ़ लिए, अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं किसमें, 19 से लेकर के 22 के बीच में क्या बताया गया है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। तो 19 में जो है अब वही यहाँ पे भी देखना होगा, स्वतंत्रता के अधिकार में भी जो है 7 प्रकार की चीजें थी, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पर भी जो है हटा दिया गया संपत्ति की जो स्वतंत्रता को हटा दिया गया, और अब कितने हो बचे हैं यहाँ पे संपत्ति के जो है हटने के बाद जो है यहाँ पे भी 6 बचे हैं, ए बी सी डी ई और जी, एफ को हटा दिया गया कि जो कि संपत्ति से संबंधित था। तो यहाँ पर दिया गया है जो कि वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा था शांतिपूर्वक सम्मेलन, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगला था जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगला था भ्रमण की स्वतंत्रता। अगला था बसने की स्वतंत्रता, कहीं आदमी बस सकता है। और व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। इतनी बातें जो है यहाँ पर ए बी सी डी और ई और जी एफ में वही पूर्व में समानता ये संपत्ति के बारे में था, उसको हटा दिया गया है। तो इतने प्रकार की जो है दिए गए हैं जो है अधिकार, इतने प्रकार की जो स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत जो है व्यक्ति जो है किसी प्रकार के जो विषय पर, चूंकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है तो वो बोल सकता है, उस पर जो है लिख सकता है। इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं आती है, जो कि बार बार परीक्षा में प्रश्न भी में पूछा गया है। और इसी में खंड जो है 19A में जो है बताया गया है, 19A में जो है ये चीज़ें बताई गई विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। लेकिन इस तरीके से कोई भी भाषण नहीं दिया जा सकता है, विचारी रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकता कि दूसरे प्रकार के लोगों की भावना को चोटिल करे। तो इसी के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के भड़काने वाले भाषण पर भी जो है रोक लगाया गया है, यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, सदाचार और नैतिकता के आधार पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दिए गए हैं, वह निरंकुश नहीं, वरना जो है असीमित, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो अपने विकास के लिए है, ना कि दूसरे के जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इस आधार पर इसमें प्रतिबंध, शांतिपूर्वक सम्मेलन। अब इसमें एक शब्द आता है निरायुध, मतलब यह ना हो कि आयुध लेकर के, मतलब आयुध मतलब अस्त्र शस्त्र लेकर के आप सम्मेलन कर रहे हो, जो कि डराने धमकाने वाली स्थिति हो। भाई आपका जब इरादा नेक है तो आपको शस्त्र की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो शांत, इसीलिए यहाँ पे शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप 10-20 लोग 50 लोग बैठ सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा और हिंसा को नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए शांतिपूर्वक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सम्मेलन में यहाँ पे ये भी है जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता, सदाचार, यातायात को ध्यान में रखते हुए। यातायात का मतलब यह नहीं सम्मेलन आप रोड पे जाम लगा दीजिए, ये चीजें नहीं अनुमति दी जा सकती सरकार द्वारा, क्योंकि उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की जिंदगी प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सदाचार और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको ये छूट दिया जाएगा। इसी तरीके से संघ बनाने की स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल बनाए जा रहे हैं, छात्र संघ बनाए जा रहे हैं, शिक्षक संगठन बनाए जा रहे हैं, मजदूर संगठन बनाए जा रहे हैं, श्रमिक संगठन, तो सारे संगठन बनाइए। लेकिन अब यह नहीं कि आतंकवादी संगठन बना लीजिए, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, यह मानवता और देश के विरुद्ध है। कोई भी संगठन केवल हित के लिए, केवल बेहतरी के लिए बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि आप जो है संघ वगैरह बना सकते हैं। भ्रमण का मतलब देश के अंदर आप जो भ्रमण कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे, जैसे जब आप देखेंगे अंडमान निकोबार, वहाँ की अपनी विशिष्ट सभ्यता है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। इसीलिए इसमें एक रोक भी लगाया गया है कि जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संस्कृति इत्यादि के आधार पर कहीं पे आपको रोका जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं, सैनपेन वगैरह का नाम वहाँ पर बहुत आता है, तो उनकी अपनी एक विशिष्ट जो है रहने खाने उठने बैठने की है। कुछ लोग नग्न अवस्था में भी रहते हैं, जो कि उन्हीं के लिए अलाउ है, उन्हीं प्रकार के समुदाय के लोग आपस में रहेंगे, क्योंकि उनके लिए स्वीकृत व्यवस्था है। भाई जो व्यक्ति जो है यहाँ पे सामान्य स्थिति में रह रहा, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, उनका कहीं ना कहीं कल्चर प्रभावित हो सकता है, इनसिक्योरिटी का भाव आ सकता है, तो सरकार क्या करेगी, वहाँ पे रोक देगी, आप नहीं जाने देगी। तो इसलिए भ्रमण के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। और वही चीज़ बसने के लिए भी है, आप जा सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इन्हीं प्रकार से संबंधित नहीं। कोई भी वृत्ति व्यवसाय कारोबार की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति व्यवसाय कारोबार की स्वतंत्रता। अब इसमें आप अपनी आजीविका को बनाने के लिए जो है कोई बिजनेस कर सकते हैं,
कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो अनैतिक गतिविधियां आप नहीं कर सकते हैं कि वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए आप काम कर दीजिए, सरकार उस पर तत्काल रोक लगा देगा, जो है मानव दुर्व्यापार व्यवहार अधिनियम लागू कर देगा और आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता के अधिकार व्यापक रूप में भारत में दिया गया है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर विभिन्न प्रकार के आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और आपको उसको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व विकास के लिए जितनी जरूरतें हैं वो यहाँ से पूरी हो जाएंगी। तो ये व्यवस्थाएं कहाँ थी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है दी गई है। तो अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है मौलिक अधिकार के विभिन्न पक्षों को जो देखने का प्रयास किया, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, आप लोगों के लिए भी जो है बोरिंग ना हो, इसलिए इसको हम दो पार्ट में जो है समझने का प्रयास करते हैं। इसके बचे हुए भाग को हम अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जितना ये लेक्चर है इसको विधिवत ढंग से जो है पढ़ने का जो है आप लोग जो प्रयास कीजिए, ताकि आने वाले समय में यहाँ से पूछे जाने वाले सवालों को आप बेहतर ढंग से हल कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी, और जल्द ही अगले लेक्चर में हम इसके जो बचे हुए जो भाग यानी कि दूसरे और अंतिम भाग को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार।